तो आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर जिले के ऐतिहासिक व बॉर्डर से सटे गांव हिंदुमल कोट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस जगह का सबसे प्रसिद्ध होने का कारण है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जो कि कभी दो देशों के बीच सेतु का काम करता था। तो दोस्तों आइए आज फिर हम आपको लेके चलते हैं आज से 5 दशक पहले। इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी मंडी के व्यापारिक लेन देन के चर्चे दूर दूर तक थे, पर जब वक्त ने करवट बदली तो यहाँ के दिन फिर गए। आज यह स्टेशन अतीत की यादों में कैद है। 5 दशकों से यह रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है। भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले हिंदुमल कोट बीकानेर रियासत की एक प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी थी। यहाँ के व्यापारिक रिश्ते लाहौर, पेशावर, बावलपुर, कराची से लेकर कांधार तक थे। चना व्यापार के मामले में हिंदुमल कोट की अलग ही पहचान थी। अंग्रेजी शासन काल में बम्बई और दिल्ली को कराची से जोड़ने वाली 3 रेलमार्गों में से एक रेलमार्ग यह था। यह दिल्ली से पाकिस्तान बावलपुर जाता था, जो बठिंडा और हिंदुमल कोट से होकर गुजरता था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 के बाद सुरक्षागत कारणों के मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्षेत्र से रेलवे पटरियों को उखाड़कर ट्रैक को समतल कर दिया गया। इसके बावजूद भी भारतीय सीमा में बठिंडा से दिल्ली वाली रेल वर्ष 1969 तक चलती रही, पर वर्ष 1970 में रेलवे स्टेशन को भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर दूर कर दिया गया। लेकिन ये वहाँ के भवन व टिकट घर आज भी अतीत की कहानी कहते हैं। इस जगह का व्लॉग जल्द ही आएगा 3 से 4 दिन में। तो उम्मीद है सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।